नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सुहाग्रा 100 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये जो सुहाग्रा 100 mg टैबलेट मार्केट में आती है, सिप्ला कंपनी की आती है, 4 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। दोस्तों ये जो 4 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, उसकी कीमत रहती है 192 रुपीज़ यानी 192 रुपये। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके पैकिंग के बारे में देखेंगे दोस्तों, कैसी पैकिंग आती है। ये ऐसा 4 गोली का टैबलेट का पैक रहता है दोस्तों, सुहाग्रा 100 mg का लिखा है, 192 रुपीज़। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो सुहाग्रा 100 mg टैबलेट मार्केट में आती है, ये वेल नोन प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, बहुत सारे ने इसको यूज़ किया है, इसके रिजल्ट भी लोगों ने पाए हैं। जानी मानी कंपनी है दोस्तों, सिप्ला कंपनी। तो ये क्या चीज़ के लिए चलती है, तो ये जो सुहाग्रा 100 mg टैबलेट मार्केट में आती है, ये मेनली इरेक्टलाइट डिसफंक्शन के लिए यूज़ की जाती है। यानी आपको अगर नपुंसकता है, आप सेक्स के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, आपके दिल में सेक्स की इच्छा है लेकिन आप सेक्स नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर स्टैमिना की कमी है, पावर की कमी है, तो उसके लिए दवा दी जाती है। मेनली जो इरेक्टलाइट डिसफंक्शन की जो तकलीफ है, उसके लिए बेहद ही अच्छी दवा है दोस्तों, सुहाग्रा 100 mg। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले दोस्तों। इसके अंदर सिल्डेनाफिल साइट्रेट 100 mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है दोस्तों। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं दोस्तों। ये दवा की वजह से आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, आपकी जान मचल सकती है, उल्टी जैसा महसूस किया जा सकता है दोस्तों, कुछ रैशेज भी आ सकते हैं, कुछ एलर्जी भी हो सकती है, इसके वजह से ज़्यादा करके एसिडिटी भी हो सकती है दोस्तों, और भी कुछ रिएक्शन, एलर्जी, कुछ दुष्परिणाम आपको नज़र आते हैं, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं दोस्तों। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है इसको, इसको बेड टाइम लेना है आपको, इंटरकोर्स करने से आधा या एक घंटा पहले लेना है, थोड़ा खाली पेट रखना चाहिए, ज़्यादा फुल पेट नहीं लेना है, दिन में से एक बार इसको लेना है, वंस इन अ डे, जब आपको इंटरकोर्स करना है उसके आधा घंटा पहले इसको लेना है, लेकिन दिन में से एक बार लेना है दोस्तों। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोस्तों इरेक्टलाइट डिसफंक्शन के लिए दोस्तों। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।